आज मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। आने वाले दिनों में मेरी कौम की, मेरी नस्लों की तस्वीर कितनी भयानक होगी वो बताने खड़ा हुआ। इक्को हटाओ ना भाई, ताकि ये सीने पर बोझ लेकर मैं न मरूं। अल्लाह का शुक्र है इतने उलमा गवाह हैं। अगर ये एहसास मेरे आलिमों के अंदर आ गया है, और आज अगर हमने अपने एहसास अपनी कौम के नौजवानों के बीच दाखिल कर दिया, तो लिख लो 6 माह के अंदर अंदर हमारे बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा नहीं होगा, सत्ता की चाबी होगी। इक्को हटाओ ना, क्यों आप तमाशा कर रहे हो? बहुत मुसीबत है। मैं इसके लिए अपने तमाम उलमा का, इस कड़ाके की ठंड में कोई बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं। फाजिल गिरामी हजरते मौलाना अब्दुल मुबीन साहब ने एहसास बयान किया, जितनी बड़ी आबादी है इस इलाके में, आज मैदान का कोई हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए था। नवादा और बिशनगढ़ के मोच की लड़ाई लड़ने वाले याद रखना, तुम अपनी औलादों को जिंदा दफन कर रहे हो मोच की लड़ाई लड़के। तुम्हारी औलादें तुम्हें माफ नहीं करेगी, लिख लो, लड़ो। किससे लड़ रहे हो? इस लायक नहीं तेरी औलादें बचेगी कि किसी चौक चौराहे पर अपना नाम बता सके कि मेरा नाम अब्दुल्ला अब्दुल करीम है। बलियाबी को क्या है? ये मेरे बुजुर्गों की अता है। क्या गरज पड़ी थी मुफ्ती शमसुद्दीन साहब को बहराई छोड़ने की? क्या गरज थी दिलबर शाही को अपने जलसे कैंसिल करने की? क्या गरज थी मौलाना कुतुबुद्दीन रजवी को जिला जिला बैठक करने की? उन्नीस % आबादी है तेरी औलादों के हाथ में भीख का कटोरा भी नहीं है। 19% आबादी है। तुम सत्ता बदलने के तख्ते तो हो सकते हो, अपने बेटे और अपनी औलादों के हिस्से का हक नहीं मांग सकते। आखिर तुम्हारी नस्लों की बात कोई क्यों करेगा? क्या गरज है जमाने को? फिक्सिंग मैच चल रहा है, एक मुसलमान को डरा के वोट लेता है, और जो कौम कयादत के लिए पैदा हुई है वो कौम कहती है कि क्या करे, मजबूरी है। ये तहरीक इसलिए निकली है कि मजबूरियों का पाजेब निकाल के फेंक दो। ये तहरीक इसलिए निकली है कि कटोरा नहीं कलम थमाओ। ये तहरीक इसलिए निकली है कि निकाह को सस्ता करके पैसे बचाओ। ये तहरीक इसलिए निकली है कि अब हम किसी को हराने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जिंदा रहेंगे। क्या
क्या बात है। लड़ाई गंभीर है। मैं तो बीच में खड़ा हो गया हूं टटोलने के लिए कि देखूं इस तहरीक का कुछ हिस्सा बनने वाले नौजवान हैं मैदान में या हमें कुछ आगे का इंतजाम करना पड़ेगा। आप सुनो ना सुनो हम सुनाते रहेंगे। आप मानो ना मानो हम चिल्लाते रहेंगे। क्या बात है। जिस तरह मुअज्जिन 5 वक्त अज़ान दे करके ईमान वालों को बताता है आओ तुम मस्जिद आओ या ना आओ हय्यल सलाह की सदा देते रहता है। उसी तरह इस तहरीक का मिशन है तुम सुनो ना सुनो आओ ना आओ। तुमने तो अपने घर की तारीख नहीं पढ़ी है इस पेन कहां से पढ़ोगे। तुमने अपने पंचायत की तारीख नहीं पढ़ी है बर्मा कहां से पढ़ोगे। तुमने अपने बाप दादा का खतियान नहीं पढ़ा है यक्षा सिविल कोर्ट कहां से पढ़ोगे। तुमने तो बिरयानी पढ़ी है। तुमने तो जबान की आवारगी पढ़ी है। तुमने तो गरीब बेटियों के बाप को बाप बेआबरू करने की किताब पढ़ी है। तुमने अपने भाई की तबाही और बर्बादी का दीवान पढ़ा है। और ये कारवां इसलिए निकला है कि इन सबको जला दो। इन सबको फूंक दो। अब हम अपनी कौम की अपने भाइयों की बर्बादी की किताब नहीं पढ़ेंगे। अब अपनी कौम की औलादों के मुस्तकबिल की किताब लिखेंगे। अब पढ़ने के लिए नहीं अब लिखने के लिए उतरे हैं। हमसे बेहतर तो वो दलित भाई है। हर हिम्मत जो मेरे दलित भाई को कोई माई का लाल उंगली दिखा दे या कोई उनकी जात का नाम लेकर उनको चौक चौराहे पर बेइज्जत कर दे औकात है। अरे बोलो ना। अगर जिंदा हो लाश नहीं हो तो बोल कर बताओ। हिम्मत है। जोर से बोलो हिम्मत है। नहीं है। इसलिए कि उनकी सामाजिक सेफ्टी के लिए दलित एक्ट बना हुआ है। दलित एक्ट 302 से डर किसी को नहीं लगता लेकिन दलित एक्ट से पूरा खानदान दहशत में रहता है। लेकिन आज कोई चौक चौराहा बता दो जहां मेरे बच्चों की टोपी दाढ़ी देखकर हुकूमत के पाले हुए गुंडे जिहादी कहते कोठे की कुछ आवारा औरतें मेरे आका करीम के नामूस पे पत्थर मारती है। पत्थर मारती है। याद रख मुसलमान हम पानी के बगैर जी सकते हैं। हम रोटी के बगैर जी सकते हैं। हम दर्द में जख्मों के तड़प तड़प कर जी सकते हैं लेकिन अपने नबी के बगैर हम नहीं जी सकते। टीवियों पर चंद दलाल बैठा कर बहस कराई जाती। मैं तेज बोलने का आदी नहीं हूं लेकिन जहां मेरे नबी की अजमत का सवाल आएगा जहां मेरे रसूल की रिफात का सवाल आएगा जहां मेरे जाने ईमान की अजमत का सवाल आएगा हम अपनी औलादों का सर नहीं गिनेंगे। हम मुस्तफा की अजमत पे नजर रखेंगे। हमें औलादों के सरों की परवाह नहीं है गुंबदे खजरा के तकद्दस की परवाह। लेकिन ये सेकुलर कहलाने वाले हराम खोर लोग जो तेरे
विधानसभा गए, जो तुम्हारी वोट के बदौलत लोकसभा गए, किसी एक हरामखोर की जबान नहीं निकली खुली। पार्लियामेंट में जंगल पे बहस हो सकती है, जानवरों पे बहस हो सकती है, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं सोचा कि लाओ एक ऐसा कानून बन जाए जिस कानून के तहत भारत में कोई मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत से खेलने की हिम्मत न करे। क्या किसी ने कभी सोचा? अरे बोलो, सोचा? ये नहीं सोचा। लेकिन हम तो महसूस करते हैं मौलाना कुतुबुद्दीन की हिम्मत को। न एमपी है न एमएलए, अदारे शरिया झारखंड के उन जिम्मेदारों को इसी तुम्हारे रांची में नबी के नामूस के लिए छोटे छोटे बच्चे सड़क पर उतरे थे। क्या मेरे उलमा को याद है? अगर याद है तो एहसास क्यों दफन करके बैठे हैं? अब किसका इंतजार कीजिएगा? कितनी लाशें उठाएंगे? कितने बच्चों की तड़पती चीखें सुनेंगे? अगर हमारे बच्चे रोड पर नबी के नाम उसके नाम का नारा लगावे तो उनको पानी वाटर कैनाल या डंडा दिखाकर भगाने के बजाय लावारिस समझकर हमारे बच्चों को 1-47 से भून दिया गया। 5 लाशें उठाई गई है, 5। आज तक उस आवारा औरत पर कोई एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 1 घंटे के लिए उसको जेल नहीं भेजा गया, लेकिन मेरी बेटियों की गोद सुनी कर दी गई, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए। जब 4,000 हमारे नौजवानों पर मुकदमा कर दिया झारखंड की हुकूमत ने, तब मैंने मौलाना कुतुबुद्दीन से कहा, 2 टुक बात कर लीजिए चीफ मिनिस्टर से, अगर उनके सीने में दम है तो तारीख वो बतावे, हमारे बच्चे दरवाजे पुलिस के नहीं जाए, अगर हिम्मत है तो तारीख वो तय करे, गिरफ्तारी देने के लिए इदारे शरिया से बलिया भी आ रहा। तो अब अगर नबी के नामूस के कानून बनाने के लिए रांची में लड़ाई छेड़ दे दारे शरिया, तो जेल के डर से भागोगे या मुस्तफा को राजी करने मैदान में निकलोगे? जो निकलने वाले हो वो हाथ उठा लो, जो निकलने वाले हो वो हाथ उठाओ। और याद रखना मेरी कौम के जवानों, तुम पीछे रहोगे, हमारे उलमा सरों पर अमामा सुफेद बांध कर निकलेंगे, देख लेगी दुनिया। अब तक तो सुफेद सुफेद सिर्फ अरफात में दिखा है, जब हम नबी की अजमत के लिए सुफेद अमामा समझकर नहीं कफन बांध कर निकलेंगे, उस वक्त बड़े बड़े रोस्तम भी देख लेंगे और हमारा जज्बे शहादत भी देखेंगे। तो बोलो, इस कानून की लड़ाई लड़ने में आवाज दे दारा तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलकर बताओ, साथ दोगे कि नहीं दोगे? जेल भरना पड़े तो भरोगे कि नहीं भरोगे? हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के अपील करेंगे, हमारी कौम ने हमको कभी तन्हा नहीं छोड़ा है। हजरत मुफ्ती साहब किबला, हमारे उलमा ने कहा हमको मस्जिद बनानी,
मेरी कौम ने कहा मौलाना मेरा घर बाद में बनेगा, अल्लाह का घर पहले बना लो। हमारे बच्चे मुंबई में दिल्ली में टाइल्स का काम करते, मजाइक का काम करते। तेरा बलिया भी आज से नहीं बरसों से चिल्ला रहा है। इसी झारखंड में खेंदड़ा पर सोए हैं हम लोग, पंता भात हमारे बाप दादा खाए हैं, लेकिन अपनी जमीन का कोई हिस्सा नहीं बेचे। पंता भात खाकर हमारे बाप दादा ने खेदड़ा पर सोकर जमीन की हिफाजत किया। बोलो सही है कि गलत है? जोर से बोल सही है कि गलत है? उसके बाद हमारे बच्चे तख्ता ठोके, बैग बनाए, टाइल्स लगाए, बाबू लोगों के मकान में सेवा किए और बड़ी मुश्किल से कमाकर हमारे बच्चे अपना छोटा सा घर बनाए। बोलो सच्चाई यही है कि नहीं है? जोर से बोलो सच्चाई है कि नहीं है? हमारे बच्चों को गरीबी से उठाने के लिए किसी हुकूमत ने कोई योजना और स्कीम नहीं लाया। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से वजीफा नहीं मिला। हमारे बच्चों को स्टेट सर्विस कमीशन क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग का कोई हुकूमत ने कोई इंतजाम नहीं किया। हमारे बच्चे मेहनत करते रहे, कुछ बाप की गरीबी की वजह से रास्ता छोड़ दिए, कुछ बहनों की शादी की मजबूरी देखकर मजदूरी करने लगे, कुछ बच्चे अपने बाप और मां की गुर्बत को देखकर राजमिस्त्री बन गए। ये एहसास हमारे लोगों के बीच रहा। आज जो अब्दुल्ला और अब्दुल करीम के मकान छप्पर की जगह जो छत दिख रही है, इसमें हुकूमत की चमन्नी नहीं लगी है, अब्दुल्लाह के बेटे का खून और पसीना लगा है। बोलो सही है कि गलत है? अब मैं अपना उलमा से तवज्जो चाहूंगा। हमारी कौम ने हमको कहां अकेले छोड़ा? आपने कहा मस्जिद बनानी है, हमारी कौम के जवान ने कहा मौलाना मेरा घर बाद में ढलेगा, मस्जिद की छत ढालनी है 50 बोरी सीमेंट ले लो। आपने कहा गांव में मदरसा नहीं है, मदरसा बनाना है, माफ करेंगे ये कड़वा सच है, पीना पड़ेगा आलिमों को। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला, हमको गैरों ने अगर मारा तो उतना दर्द न हुआ, अपनों ने भी खूब मारा है। किसी का दलाल बना देते, कहा वो हरामखोर। जब एनआरसी का तूफान आया था तो बलियाबी को गालियां लिखते थे, कभी फेसबुक से बाहर निकल तब इंडिया दिखेगा, कभी अपने खून पसीने की कमाई से गांव में जा तब बेटियों का दर्द दिखेगा। बाप के खरीदे हुए मोबाइल पर कुछ भी लिखने से पहले सोच, जिनको तुमने वोट बोरा में कस के दिया था एनआरसी के मसले पर, कोई एक हरामखोर पॉलिटिकल पार्टी वाला नहीं गया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यही तेरा बलिया भी ये इदारे शरिया हिंदुस्तान में सबसे पहले इदारे शरिया इसके खिलाफ सड़क पे निकला था और बलिया भी का ही वो पीले कार्ड पूरी दुनिया में घुमा। जगह जगह मोहल्ला मोहल्ला शाहीन बाग बनाकर एहतजाज हुआ, मेरी बेटियों को तुमने सड़क पे बैठा दिया, बेटियों को।
जिन बेटियों को जंग के मैदान में जाने की इजाजत नहीं, उन बेटियों को कुछ हरामखोरों ने सड़क पे बैठा दिया, जो अपने सर के बाल का बोझ न बर्दाश्त करे वो यूपी का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। वो आदमी कहे, क्या इशारा है भाई, वो आदमी कहे कि मुसलमानों की बेटियां सड़क पे हैं, एक आलिम नहीं निकल कर आया मैदान में कि मेरी बेटियां सड़क पे नहीं बैठेंगी। लेकिन तेरे बलियाबी ने उसी दिन अहद किया था कि आखिरी सांस तक लड़ूंगा। लेकिन ये मेरे मजबूत बाजू मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, आज से तकरीबन 6-7 दिन पहले जब दिल्ली में ठंड थी मुफ्ती साहब, -7 डिग्री, -3, 2, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के यहां दरवाजे दरवाजे मेरा आलिम फाइल लेके घूमते रहा, किसी ने एक चवन्नी से मदद नहीं की। हम अपने आलिमों से विनती करेंगे, मुफ्ती साहब की बिला आज हमारे पास मदरसे बहुत हैं, बिल्डिंगें बहुत खूबसूरत बन गई, चटाई की जगह मार्बल मेरी कौम ने लगा दिया, लेकिन रिजल्ट हम नहीं दे रहे। माफ कीजिएगा, जो नतीजा आना चाहिए नहीं आ रहा। मदरसे की चटाई से निकलने वाला सिर्फ मस्जिद की इमामत के लिए नहीं आता है, मदरसे की चटाई से निकलने वाला अल्लामा अशफाकुल्लाह, अल्लामा अरशदुल कादरी, अल्लामा सरदार अहमद नईमी, अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी मलकुल उलमा, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की क्यादत और रहनुमाई की। आज के बड़े बड़े दारुल उलूम से कहीं करोड़ों दर्जा बेहतर आज से 30 साल का पुराना मेरे गांव का मकतब था, मकतब, मकतब, मस्जिदों में मकतब चलता था, मदरसों में मकतब चलता था, सुबह 2 घंटा मौली साहब पढ़ाते थे। हजरत, मैंने तजर्बा किया है, मकतब के पढ़े हुए 30-40 साल पहले के जो लोग हैं, मकतब के पढ़े हुए, मकतब के पढ़े हुए, पढ़ करके वो मास्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत कुछ बने, लेकिन कुछ दिनों के मकतब में पढ़े हुए को है कोई माई कलाल बदकीदा जो उसको अकीदे से हटा दे? क्या मिसाल है, है कोई? नहीं हटा सकता, इसलिए कि मकतब में पढ़ाने वालों ने, और अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में मदरसे का जिक्र नहीं किया, मकतब का जिक्र किया, गोया मकतब की तासीर थी। हम हाथ जोड़ के विनती करके अर्ज करेंगे, अगर इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लिल्लाह अब घड़ी देखकर मत पढ़ाइए, अब जरूरत देखकर पढ़ाइए। जिस वक्त आप घड़ी देखना बंद करके जरूरत देखने लगेंगे, उस दिन मदरसे का निकला हुआ मेरा बच्चा मेहराब में खड़ा होकर कुरान भी सुनाएगा और चौराहे पर खड़ा होकर भारत का संविधान भी। जरूरत इस बात की, गुफ्तगू मेरे उलमा की सुननी है। आज मैं तकरीर करने नहीं आया, आज मैं आपसे आपकी औलादों का मुस्तकबिल मांगने आया हूं। इतने बड़े मजमे में हमें 50 आदमी ऐसा है जिसके बेटे कुंवारे हों, नहीं 50 बाप ऐसा है जिसके बेटे कुंवारे हों, खड़े हो जाइए,
जिसका बेटा कुंवारा हो वो बाप खड़ा हो, जिसका बेटा कुंवारा हो वो बाप खड़ा हो। स्टेज पर सब मौलाना लोगों तो बेटे हैं, कुंवारे बेटे हैं, तो पहले आप आगे आइए, आप आगे आइए। जब उतर पड़े हैं मैदान में कफन बांध के तो पहले उलमा आगे आ जाए। माशाल्लाह, क्या बात है। जिनके बेटे कुंवारे हो, बस टोटल इतने ही लोगों के बेटे कुंवारे हैं, समझ में बात आ रही है? नहीं वो नहीं, अब जिनके बेटे कुंवारे हैं और जो बाप खड़े हुए हैं, खड़ा हो गए हैं, तो खड़े खड़ा जरा हाथ मुट्ठी बांध के उठा लीजिए। बस उधर जितने लोग हैं, क्या बेटे बेचने के लिए अभी भी? माशाल्लाह। एक बार मैं आवाज दूंगा, आपको बोल के बताना होगा, क्या आपके बेटे अभी कुंवारे हैं? जोर से बोले, क्या आपके बेटे कुंवारे हैं? अपने बेटों को बेचेंगे? 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 नहीं। तशरीफ रखिए। अब मैं नौजवानों से एक बात चाहता हूं, दिलबर बाबू, मैं तो चाहता था कि भी आपको सुनूं, लेकिन आज हाँ अब भी नहीं, क्योंकि हमारे कई बुजुर्गों की पांच पांच दस दस मिनट की नासेहाना गुफ्तगू भी समाप्त करनी है। हम अपने नौजवानों से चाहते हैं कि क्या आप चाहते हो कि तुम्हारी बेटियों की आबरू तुम खुद बचा लो? अरे बोलो ना, कितने नौजवान हो जो चाहते हो कि अपनी बहन बेटियों की आबरू खुद बचाओगे? हाथ उठा लो। नहीं 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 नहीं, बस हाथ उठा लो, उठाए रखो, उठाए रखो ना। इसका एक बड़ा आसान नुस्खा मुफ्ती साहब हमने तय किया, बाप बेटा अकेले पड़ जाएंगे, बिकने वाला भी बेचने वाला भी अकेले पड़ जाएगा। अगर आप चाहते हो बेटियों की इज्जत बचाना, चाहते हो तो उठाओ, उठाओ, उठाए रखो। एक मिनट में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, उठाए रखो। तो अगर चाहते हो बेटियों की इज्जत बचाना, तो आज इसी वक्त से आहत कर लो कि जिस बारात का दूल्हा बिका हो, उस दूल्हे की बारात मत जाओ। खड़ा होके लगाओ, खड़ा होके लगाओ, लगा खड़ा होके। जैसे ही आप ऐलान करोगे कि तुमने बेटा बेचा है, तेरे बेटे की बारात नहीं जाऊंगा, याद रखना, उसको भाड़े पर भी आदमी नहीं मिलेगा बारात ले जाने को। और ऐसे हराम खोरों के लिए व्हाट्सएप फेसबुक खोल दो और लिखो कि फला ने अपने बेटे को 3,00,000 मोटरसाइकिल में बेचा था, इसलिए हम लोग बारात नहीं जा रहे हैं। जो बेटा बेचकर बारात ले जाएगा, हम उसकी बारात नहीं जाएंगे। बोलो कंट्रोल में हो जाएगा कि नहीं? अब ये जितने बिशुनगढ़ नवादा के पंचायतों के अध्यक्ष महोदय आए हैं, सदर सिगरेटी कुछ आए हैं क्या महमूद बाबू? मुझे मालूम है टोटल पंचायत कितनी है, रात हजारीबाग जामा मस्जिद इदारे शरिया में पूरे जिला के उलमाए कराम को आपसे मुफ्ती साहब रुख्सत लेकर वहीं गए। रात को 10:30 बजे तक हम लोग खटते रहे,
पूरे जिला में 16 ब्लॉक है, एक एक ब्लॉक में कितनी कितनी पंचायतें हैं वो सब निकाला गया। आज हमारे बच्चों की टोपी दाढ़ी देख करके जिहादी कह दे कोई, आज हमारे बच्चों को कोई देखकर दहशतगर्द कह दे। कितने खून के आंसू रोएगा बलियावी। बलियावी को तो एक ही जुनून है कि हर जिला में एक बलियावी पैदा हो जाए, हर जिले में एक बलियावी पैदा हो जाए, जरूरत इस बात की है। लेकिन गैरों में कहां दम थरे, तुझको तो छुछुंदर और बंदर से डरा दिया गया, तुम डर गए। अपने दिलों से खौफ निकालो। हमारा आलिम कहता है कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा आलिम मजबूर है। हमारे आलिमों के पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती, मस्जिद में 25 बोरी सीमेंट देने वाला गांव के सदर सिगरेटी को कहता है इमाम को हटाओ वरना मैं चंदा नहीं दूंगा। हम अपने उन गांव के सदर सिगरेटी से मदद मांगते हैं, आप मदद करो मेरी बेटियों के लिए, आप मदद करो मेरी कौम के बच्चों के लिए, आप मदद करो मेरे बच्चों के पढ़ने के लिए, आप मदद करो। आपसे हम पैसा नहीं मांग रहे, आप सिर्फ एक चीज से मदद कर दो कि जितनी पंचायतों के सदर सिगरेटी हैं, आने वाले जुमा को सदर सिगरेटी खुद माइक पर जुमा के दिन खड़ा हो और खड़ा होकर सदर सिगरेटी खुद ऐलान करे कि मेरे गांव में अगर किसी बारात में डीजे बाजा नाच पटाखा के साथ कोई बारात लेकर आएगा तो मेरी मस्जिद का इमाम उस दूल्हे का निकाह नहीं पढ़ाएगा। अगर मस्जिदों के सदर और सिगरेटी ऐलान कर देंगे तो फिर देखेंगे हमारी जमात के उलमा की कौन मौलवी है माई का लाल जो आकर के निकाह पढ़ा दे, देख लेंगे उसको, देख लेंगे। प्लीज जिसको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठ जाएंगे। असल मामला तो अभी आना बाकी है, बस आखिरी जुमला अर्ज कर दूं हजरत मुफ्ती साहब क़िबला उलमाए इकराम की तवज्जो चाहूंगा। आज से तकरीबन 8 साल पहले तो ये जितने सदर सिगरेटी गांव की पंचायतों के आए हैं यहां आप हैं, खड़ा हो जाइए। जो सदर सिगरेटी हैं गांव के पंचायतों के वो खड़े हो जाएं। माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 आ गया, ये 6 7 8 9 10 आगे आइए मैदान में आइए। अरे आइए मैदान में, जब लड़ाई छिड़ गई है तो मकान में नहीं मैदान में, और मैदान भी मुंतखब किया है तो करबला किया है, कोई और नहीं किया है। सदर सिगरेटी साहबान इधर घूम जाइए, इस तरफ कौम मेरी देख ले, आइए सामने आइए, माशाल्लाह आइए सामने सामने। हाँ सदर सिगरेटी लोग हैं, आ जाइए। जो बाकी हैं वो आ जाएं, जो बाकी हैं वो आ जाएं, जो नहीं आएंगे उनका हुक्का पानी भी हम लोग उससे अलग करेंगे, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि ये बेटियों की आबरू बचाई जाए,
एक प्लेट बिरयानी का असर 2.5 घंटा से बेशी नहीं रहेगा। और अपनी नस्लों के बचाने की आहत कर लोगे, ये एक दवा खा लोगे तो 100 साल तक तेरे बेटों को कोई माई का लाल आंख नहीं दिखा पाएगा। ये हमारे गांव के पंचायतों के सदर सिगरेटी साहबा ने, तो क्या आप लोग इस राय से सहमत हैं? तैयार हैं? अगले जुमा को आप लोग ऐलान कर देंगे कि आपकी पंचायत में किसी बारात में डीजे बाजा गाजा आएगा तो आपका इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? आप लोग भी तैयार हैं? तो अब नारा लगाओ महमूद। तहरीके बेदारी एदारे शरिया और हमारे अहले सुन्नत सामईने किराम गाजिए मिल्लत। तशरीफ रखे, बैठ जाइए। अब हम अपने उलमा से विनती करेंगे, रजिस्टर बनाइए हर पंचायत के इमाम का। हर पंचायत के इमाम और आलिम का, जो आलिम बाहर रहता उनको भी चिट्ठी लिखिए और उनको ऐलान करके कह दीजिए कि आपका वतन यही है, जाए पैदाइश यही है, बंबई से भी एम्बुलेंस के जरिए यही आखिर में आपको लाया जाता है, याद रखिएगा। मुफ्ती साहब, मेरी कौम ने हमको कहां तनहा छोड़ा। वल्लाही लजीम, मेरी कौम के बच्चों ने कभी मुझको अकेले नहीं छोड़ा। आपने कहा मस्जिद बनानी है, मेरी कौम ने कहा मेरा घर बाग में बनेगा, अल्लाह का घर बना लो। आपने कहा मदरसा बनाना है, मेरी कौम ने कहा मेरा घर बाद में बनेगा, मदरसा बना लो। मेरी कौम मेरी जरूरत पूरी कर सकती है, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकती। मेरी कौम मेरी जरूरत पूरी कर सकती है। अब्दुल मुबीन साहब, हजरत मुफ्ती साहब, मैंने वो देखा है, एक गरीब जो बेचारा गांव में खेत जोतता था, वो भी बटैया का खेत, बटैया वाला, पता नहीं इधर क्या बोलते उसको, सोझा साझा, वैसे भी इस इलाके में गिलास को गिलसा बोलते, गोड़ को गोड़ा बोलते, हेलो मौलाना को मौलनवा बोलते। बस आखिरी जुमला अर्ज कर दूं, देखा कि वो बेचारा कुछ गोश्त कुछ मछली खरीद के ले जा रहा, जिसके बारे में मैं खुद मुतमईन हूं कि ये गरीब शायद 15-20 दिन के बाद एक आध बोटी अपने बच्चों को गोश्त खिला पाता होगा। मैंने उससे पूछा कि क्या कोई खास मेहमान आ रहे हैं? मुफ्ती साहब, उस गरीब ने मुझको रोला दिया। उसने जवाब दिया, नहीं मेहमान नहीं आ रहे हैं, 15 दिन पर मेरे घर इमाम साहब की दावत होती है। अल्लाहु अकबर। मैं अपने उलमा का पैर पकड़ करके विनती करके कहूंगा, बचा सकते हो तो बचा लो, मेरी नस्लें डूब रही है, बचा लो, हमारे बच्चों को एक तिनके का सहारा चाहिए, बचा लो, वरना चौराहों पर हाथ चूमने वाला कोई नहीं मिलेगा, मजारों पर चादर ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैंने महसूस किया कि जो इंसान अपने औलादों को रोटी न खिला सके, उसके दिल में भी एहसास है कि मेरे इमाम की दावत है।
मेरे बच्चे अच्छा खाए ना खाए, मेरा आलिम अच्छा खाए। बिल्कुल। अब अगर मैं अपने इन बच्चों का दिल तोड़ूंगा ना, तो लिख लीजिए महशर के दिन, तो महशर के दिन कब्र में भी अपने आका करीम को सूरत दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। बड़े बड़े जमींदारों को मरते मैंने देखा है, लेकिन अहले सुन्नत के कुछ फकीरों को भी दुनिया से गुजरते देखा। एक कादरी फकीर जिसका नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी था, मैंने उस फकीर को भी देखा है। कभी तीन जोड़ा से बेशी कुर्ता उनके ब्रीफ केस में नहीं मिला। एक बार मुफ्ती साहब मैं महंगी लुंगी खरीद लाया था, किसी जमाने में 100x200 की महंगी लुंगी होती थी। मुझको 3 रोज तक डांट पड़ती रही, हम आपसे विनती करके इल्तिजा करेंगे, बचा सकते हो तो बचा लो। इसी मध्य प्रदेश में तेरा भलिया भी उस वक्त एमपी था, हमारे 8 बच्चों को जेल से निकालकर पहाड़ पर इनकाउंटर करके गोली मार दिया लोगों ने, और जुर्म यह बताया गया कि ये जेल का ताला लकड़ी की चाबी से खोलकर भाग रहे थे। मालूम है तुझको? जब बलियाबी को खबर मिली मैंने कहा मैं आ रहा हूं, लड़ूंगा आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जब मैं पहुंचा तो पूरे भोपाल में तूफान था, जैसे लगता था लोग मुझे खा जाएंगे। मैं 5 रुपये का ताला खरीद कर ले गया था मुफ्ती साहब, और मैंने चैलेंज किया था उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो आज भी है, उनसे मैंने कहा था ये 5 रुपये का ताला है, मध्य प्रदेश में लकड़ी का अंबार है, हिम्मत है चौहान साहब तो किसी लकड़ी के ताले से क्या लोहे की तीरी से भी इस 5 रुपये का ताला खोल के दिखा दो। जब 5 रुपये का ताला नहीं खुल सकता है तो जेल का 5 किलो का ताला लकड़ी के चाबी से कैसे खुलेगा? चूंकि देश के अक्सरियती तबके, देश के बहुसंख्यक समुदाय को डराने के लिए देश के मुसलमानों की टोपी दाढ़ी रुसवा की जाती है, और मुसलमानों के बच्चों को डराने के लिए सेकुलर कहलाने वाले दोगले लोग हमारे बच्चों का हक छीनते। उस वक्त मुफ्ती साहब जेल के दरवाजे से किनारे हटकर एक औरत खड़ी थी, कुछ लड़कों से पूछी ये कौन है, लड़कों ने कहा मौलाना बलिया भी यही है। बच्ची बोली कि हमको मौलाना से मिलवा दो, मैं बहुत मजलूम हूं, मुझको मिलवा दो। बच्चों ने कहा कोई एक औरत आई है जिसके गोद में बच्चा है, मिलना चाहती। मैं करीब गया, मैंने कहा बोलो बहन क्या बात है। उसने जवाब दिया सुन, उसने कहा मेरे शौहर को आतंकवादी कह के उस वक्त उठाया गया जब ये मेरा बेटा मेरे पेट में था, 14 महीने बीत गए इस जेल के दरवाजे आते, आज तक मेरे शौहर को कोर्ट में नहीं पेश किया गया। मैं आपका बहुत नाम सुनी हूं,
मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछूं, आपसे मुझको जवाब चाहिए, आप मुझको जवाब दीजिए कि भीख मांग कर अपने बेटे को पालूं, कि भीख मांग कर मैं अपने शौहर के मुकदमा लड़ूं। तब हमने अपने बच्चों से कहा, आज के बाद इस बच्ची को रोटी की कमी नहीं होनी चाहिए, कौमी इत्तेहाद मोर्चा वालों। वो बच्चा 28, वो बच्चा 16 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ मुफ्ती साहब। एक टीवी वालों ने नहीं दिखाया, सैकड़ों बच्चे मेरे खुदकशी कर लिए, सैकड़ों बच्चे खुदकशी कर लिए, हुकूमत की दलाली करने वाली एजेंसियों, हुकूमत के इशारे पर नाचने वाली एजेंसियों, चाहे एनआई हो, चाहे सीबीआई हो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मत लो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। आजादी से लेकर अब तक सिर्फ सब्र किए, अपने मुल्क के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी मेरे बाप दादा ने दिया। अंग्रेज के दलालों, भारत के इंडिया गेट पर, गुजरात के सत्ता के व्यापारियों के बाप का नाम नहीं लिखा है। दिल्ली के इंडिया गेट पर हिंदुस्तान के उन मुसलमानों के बाप का नाम लिखा है जिसने भारत के तिरंगे के लिए अपनी शहादत दी, और आज उनकी औलादों को देशद्रोह, दहशतगर्द, मॉब लिंचिंग, जिहादी, आतंकवादी कहने वाले इन गुंडों को लगाम दो, इन गुंडों को लगाम दो, वरना अगर निकल गए सरों पर सफेद अमामा कफन बनाकर, तो याद रख लीजिए जंगों का रुख बदल जाएगा। तब इदारे शरिया ने तय किया कि जिस तरह हमारे दलित भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए SC ST दलित एक्ट बना है, भारत में बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग, भारत में बढ़ती हुई मजहबी नफरत, समाज में मेरी टोपी दाढ़ी की रुसवाइयां, अब इस बात का डिमांड कर रही है कि वक्त आ गया है कि जिस तरह दलित भाइयों की सुरक्षा के लिए दलित एक्ट बना है, उसी तरह भारत के मुसलमानों की सुरक्षा के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बने। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एक एक का हाथ उठना चाहिए अगर इस तारीख के हिस्सा हो तो, ऊपर से लेकर नीचे तक मुट्ठी बांध कर एक एक का हाथ उठना चाहिए। बोलो, नामूसे रिसालत पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मुसलमानों के मॉब लिंचिंग और दहशतगर्द कहने वाले उन बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इसके लिए अगर जेल भरने की बात होगी तो भरोगे कि नहीं भरोगे? जोर से बोल कर, भरेगा कि नहीं भरेगा? जोर से बोल, जेल जाना पड़ेगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा?
इसलिए हेमंत बाबू वक्त से पहले संभल जाइए, वरना आप सत्ता के लिए कहीं जा सकते हैं तो हम भी अपनी नस्लों के लिए कहीं जा सकते हैं। तो अब अगर उस वक्त कोई बलियाबी और इदारे शरिया फैसला ले ले कि चल इधर, तो दलालों के चक्कर में पड़ोगे या इदारे के साथ रहोगे? जोर से बोल, दलालों के चक्कर में या इदारे के साथ? इसलिए हमको हर पंचायत से नौजवानों की टीम चाहिए, और उसके लिए हम आपके दरवाजे दरवाजे नहीं आएंगे, उसके लिए हम चौखट चौखट नहीं आएंगे। अगर मेरे उलमा जिंदा हैं तो हम इनसे इल्तिजा करेंगे कि हर आलिम दो दो पंचायत ले ले, और जब आलिम दो दो पंचायत ले लेगा, इमाम दो दो पंचायत ले लेगा, तो हर पंचायत के सदर सिग्रेटी दो दो पंचायत ले लें, और हर पंचायत से हमको 21-21 नौजवान चाहिए, ताकि जब नबी के नामूस और मुस्लिम सेफ्टी एक्ट और सत्ता में हिस्सेदारी कमाल है, जिले का जिला घूम जाइए तो शायद किसी जिला में 20 मुसलमान का बच्चा पुलिस में मिले, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए कि लोगों ने समझ लिया है कि मुसलमान तो विकलांग हो चुका है, और ये तहरीके बेदारी इसी के लिए आपके दरवाजे चलकर आई है कि जमाने वालों, मैं राख के नीचे दबा जरूर हूं, बुझा नहीं हूं, मैं राख के नीचे दबा जरूर हूं, बुझा नहीं हूं। और ये तहरीक, ये दिलबर शाही, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, अल्लामा अकरुल कादरी साहब, अल्लामा सैयद अल कमर शिवली साहब, ये हमारे तमाम उलमा जो निकल पड़े हैं, और आप जो अपने घर से निकल पड़े हो, मैं महमूद बाबू को भी मुबारकबाद दूं, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दूं। और याद रखना, अभी बलियावी की गुफ्तगू के बाद जलसा खत्म नहीं हुआ है, अभी असल काम बाकी है, वो है करारदाद, वो है तजवीज रेजुलेशन, वो है प्रस्ताव जो आपके बीच में पेश किया जाएगा, और जो पेश आप जो समर्थन करेंगे उसी को डीसी के जरिए से चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को भेजा जाएगा, ताकि बिशुनगढ़ नवादा के ईमान वालों की आवाज सुन लो। अभी कागज से भेजकर सुना रहा हूं, सुन लो, अगर कागज की आवाज नहीं सुनोगे तो रांची में चढ़ करके सुनाने के लिए भी उतर आएंगे, तब सुनना पड़ेगा। लगाओ जोर से। इसलिए जो जहां है वही रहेगा, जो जहां है वही रहेगा, एक इंच दाएं बाएं नहीं हिलना है, जो जहां है वही खड़ा रहो। इसलिए कि मैं जानता हूं कि इस वक्त आईबी के एक दर्जन से ज्यादा लोग आए हैं, बलियावी जाए वो न रहे, इदारे शरिया निकले वो न रहे, उन आईबी वालों से भी मैं कहूंगा, साहेब को सूचना दे दीजिएगा, साहेब को सूचना दे दीजिएगा कि जो दबा हुआ था वो जाग गया है। अगला प्रोग्राम मौलाना कुतुबुद्दीन साहब पेश करेंगे।